आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जी बताएं। मैं हाजी वकाल अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस एवं पार्षद वार्ड नंबर 40 जगदीशपुर। और ये मतलब आपके लोग की तरफ से ये प्रोग्राम कितने साल से हो रहा है? देखिये, ये तिरंगा चादर का जो ख्वाजा गरीब नवाज साहब के दरबार में जो हम लोग पेश करते हैं, ये पिछले 28 सालों से कांग्रेस पार्टी के बैनर को कभी यहाँ से रोकना होती है। हमारे मित्र हैं वकील अहमद भाई, उनके नेतृत्व में ये जत्था एक जत्थे के रूप में यहाँ से रवाना होती है, जिसकी ये सिलसिला पिछले 28 सालों से चला रहा है और जिसको हम सारे लोग आवाम की जियारत के लिए मखदूम साहब बाबा के अस्थाने पे चादर को खोलते हैं, चादर को लोग जियारत करते हैं, उसको चूमते हैं और उसके बाद उस चादर को लेके अगले दिन आज हम लोग ट्रेन है 4 शाम को बर्दर ट्रेन से पूरा जत्था रवाना होगी। वहां पे जाके पहले चादर को 3, 6 और 9 अजमेर शरीफ में 3, 6, 9 जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो उर्स मुबारक है, तीनों पुल करने के बाद चादर चढ़ाया जाता है ख्वाजा साहब के दरबार में। चादर चढ़ाने के बाद पूरे मुल्क के तरक्की के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए, भाईचारगे के लिए और लोगों के कारोबार में बरकत के लिए दुआएं होती है कि हमारे मुल्क जो हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो परंपरा है, वो बनी रहे। तो ये एक तिरंगा चादर ऐसा है कि सिर्फ बनारस से ही जाता है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी तिरंगा है और उस तिरंगे की पहचान, उस तिरंगे के चादर को हम सब बनाते हैं। इस चादर को बनाने में लगभग 10 से 15 दिन लगता है, उसमें खाने काबा की भी तस्वीर बनती है और मदीने शरीफ की बनती है, उसमें अल्लाह और मोहम्मद का पढ़ाई होती है नाम, उसको बनाने में 15 दिन से 10 से 15 दिन लगता है। उसके बाद उस चादर को हम लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरकार और उस सरकार के दरबार में हम तिरंगा चादर पेश इसलिए करते हैं कि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम जाए, जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक धागे में समा के जो परंपरा हमारी चली आ रही सदियों से, उस परंपरा को मजबूत करने के लिए हम लोग का जो पहल है वो पिछले 28 साल से लगातार जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। और ये हम लोग इसमें कि सारे हम जो जत्था जाता है हम लोगों का, उसमें हिंदू भाई भी जाते हैं, मुस्लिम भाई भी जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आज के दौर में जो हिंदू और मुस्लिम को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आज जो ये चादर हम लोग ले जा रहे हैं ये राजनीतिक तौर पर नहीं ले जा रहे, ये एक अकीदा है और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो